धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं, कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए। मैं पहले भी मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ पे जो चुन के लोग आए हैं, जनता ने तो चुन के भेज दिए, लेकिन ये सदन की मर्यादा नहीं रख रहे कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो माननीय हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए हर बात। अरे धारीवाल जी आप सीनियर हैं, सदन के नेता, अरे सदन के नेता सदन सुनिए, फिर आपको मौका दीजिए, बैठिए, सुनिए धारीवाल जी, सदस्य धारीवाल जी, धारीवाल जी सुनिए, या विपक्षी नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा, धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे, आपके नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े तो आप बैठिए, ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को, अरे सुनिए, नहीं नहीं आप 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 बैठिए, आप ऐसा मत करिए, पहली बार चुनते हैं, ये सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हम सबका रखना आवश्यक है, अरे सदन, ये सदन है, ये सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है, और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है, वो आपको मौका मिलेगा, बैठे बैठे श्रीमान, और आपको ये ऐसे थोड़ी है, बोहरा अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, तमाशा बना रखा है तुमने सदन को, अन्य अध्यक्ष जी, मतलब सदन को एक आप हमने सदस्यों को संभालिए, नहीं तो आई विल कॉल हिम। माननीय अध्यक्ष जी, बात एक महिला की नहीं है, पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे, आप बजट पढ़ रही हैं, बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि सदन की जो परिपाटी, अरे भाई बैठिए बैठिए, अरे ये कोई ये, अरे बैठिए, अरे ये आप इसको, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पाओ पे, माननीय सदस्य, अरे बैठिए, इसका मेरा काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अभी आ आ, अरे आपका नेता बोल रहा है, अध्यक्ष जी मैं पहले भी मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ पे जो चुन के लोग आए हैं, जनता ने तो चुन के भेज दिए, लेकिन ये सदन की मर्यादा नहीं रख रहे हैं आपके, और आज भी तो बात, इधर भी कई लोग नहीं रख रहे, आज भी तो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, समझाइए, हमारे सदस्यों की मेरी जिम्मेदारी है, सबकी, हमारे सदस्य जो बोल रहे हैं ना, पक्ष की भी है विपक्ष की भी है, आप वित्त मंत्री जी जो है, अरे ये मेरा काम है ना, अरे ये मेरा काम है, ये मेरा, आपको किसने कहा खड़े होने के लिए, मिस्टर रफीक खान, माननीय अध्यक्ष जी दो मिनट बोलिए, आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए, आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक, ये परिपाटी नहीं है, आप खूब बोलिए, सुनिए मुख्यमंत्री जी खूब बोलिए, मंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पे जो आप लोगों को बोलना था वो बोल लिए, ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, ये बजट है, अब पढ़िए, बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी, आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी, मंत्री पढ़ रही है, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल ओवरटाइम पढ़ती हूं, आप अपने मंत्री को नहीं सुन रहे, चलिए आप पढ़िए, माननीय वित्त मंत्री जी हम कतई बीच में नहीं बोलेंगे, आप पढ़िए अपना, एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कहना, बैठ, माननीय अध्यक्ष जी मैं
आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए और अरे सुनिए आपको अरे नेता आपको ये दिक्कत बोल रहा है, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात बैठिए, कृपया बैठिए, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोले देखना चाहिए। देखिए ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा, मैं